दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आखिरकार प्राची ही कराती हुई नजर आ रही है इस वक्त रणवीर की बेल। हालांकि प्राची ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने साफ साफ कबूल किया है कि रणवीर मेरे हस्बैंड है। अगर तुम्हें ये लग रही है कि रणवीर की वाइफ आई यहाँ पर जमानत देने के लिए, तो मैं बता देती हूँ कि रणवीर मेरे हस्बैंड है। जिसके बाद में इंस्पेक्टर बोलता हुआ नजर आएगा कि मैडम ये झूठ कहीं और बोलना जाकर यहाँ नहीं चलने वाले। जिसके बाद में प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है कि ये आप खुद रणवीर से पूछ लो या मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। और जिसके बाद में कुछ फोटोज और दिखाती हुई नजर आने वाली है प्राची, जिसके बाद में इंस्पेक्टर को तब समझ आएगा कि हाँ। फिर उसके बाद में प्राची बोल दी हुई नजर आने वाली कि हम कुछ फैमिली इशू की वजह से 6 साल से एक दूसरे के साथ में नहीं रह रहे हैं। जिसके बाद में बात की जाए तो आप लोग जानते ही हैं कि खुशी को भी पता चल जाएगा कि चलो फाइनली रणवीर और प्राची दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों आखिरकार अब खुशी की जो परेशानी है वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि खुशी को मिलेगा एक नए माँ बाप का प्यार यानी रणवीर और प्राची का। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जल्दी ही प्राची और रणवीर को पता लगने जा रहा है कि आखिरकार खुशी कोई और नहीं है बल्कि हमारी खुद की ही बेटी है। जी हाँ, क्योंकि खुशी और बात की जाए प्राची की तो दोनों माँ बेटी का रिश्ता है इनका बहुत पहले से ही, लेकिन अभी तक प्राची और खुशी दोनों ही चीज़ चेंज जानती। लेकिन दोस्तों अब रणवीर की बात की जाए तो रणवीर भी अब बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आएगा कि चलो अब फाइनली धीरे धीरे ही सही लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है बल्कि असली ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि असली ट्विस्ट आने पर आप लोग देख ही लेंगे कि किस तरीके से प्राची खुद इस चीज़ को कबूल करेगी। साथ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें।